कटक सहर रे पुणी हेबो ऐतिहासिक बालीयात्रा साउंड ओ लाइट रे झलसिब बालीयात्रा पड़िया पुणी थरे देखिबा को मिलिबो व्यवसायीक सह लोकक गहळी दीर्घ दुई वर्ष धरी कोरोना महामारी पई बंद पड़ीतिबा बालीयात्रा चलित वर्ष हेबाने ग्रीन सिग्नल देइछि कटक जिला प्रशासन जहाकु नै एबेठारु उत्साहित हेलेनि कटक सहरवासी तेबे एथर मेला को नुआ ढंगरे ओ आकर्षणीय करबाकु योजना रखिछि जिला प्रशासन यहा सह दुई वर्ष धरी जीवन जीविका हरैथिबा व्यवसायी को एथिरे अधिक सुजोग दियाजिबो तेबे राज्य स्तरीय मान्यता पाइथिबा बालीयात्रा को जातीय मेलार मान्यता प्रदान करबाकु राज्य सरकार को पक्षरु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव दियाजिबो बोली कहिसेंती कटक जिलापाल एथर बालीयात्रा पई आमे आमरो प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए तांकु नोडल ऑफिसर भाबरे जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए टिके उपस्थित अछंती से एथर नोडल ऑफिसर हेबे तांको पाई गोटे सात जनिया कमिटी आमे प्रस्तुत करिचु से माने तांकर विभिन्न कार्य खसड़ा जो बालीयात्रा आसंता बालीयात्रा पाई प्रस्तुत करिवे एवं ताकु मॉनिटर कर राज्य स्तरीय फंक्शन रु एटा नेशनल लेवल फंक्शन पाई राज्य सरकार को माध्यम रे चेष्टा करा जाय तबे प्रतिथर परि चलित थर मध्य आठ दिन धरी हेबो एही मेला एही वाणिज्यकर महाकुंभ रे प्रतिदिन लक्षाधिक लोकंक समागम होइथाए मेला पडिया रे 1500 रु अधिक स्टॉल रे राज्य तथा राज्य बाहरु आसुथवा व्यवसायी माने निज निज पसरा मेलाइ थांती आ प्रतिवर्ष पाखापाखि 100 कोटि टंकार व्यवसाय मध्य होइथाए तेबे चलित वर्ष मेला को आहुरे अधिक आकर्षणीय करबा पई स्टॉल संख्या वृद्धि करा जिबा सह मिशन शक्ति ओ महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को अधिक प्राधान्य दिया जिबो तेबे मेला आयोजन को सुचारू रूपे संपादन करबा पई जिला प्रकल्प निर्देशकक नेतृत्व रे एक सात जनिया टीम बालीयात्रा आयोजन नै तदारख करिबे सर जदि डिक्लेयर कर बालीयात्रा एतर खबो बोली तर जेमिति करिया पडो खसला करिया पे आम मित्र करकि सब जिनसर कोऑर्डिनेशन टा ही करा जिवो आउ किछ नै कमिटी केमिति स्टेट गवर्नमेंट रो कोन कंसेंट एतर रहइबो कोविड रो कोबलिया परिस्थिति अछि सब जिनस को देखि कि स्टेट गवर्नमेंट कति कि अलाउ करिवो से सब जिनस के कि एंटायर से जिनस टा ही कोऑर्डिनेशन दरकार पडो बालीयात्रा पई हातरे मात्र 4 मासर समय रहितबा बेले कोरोना परिस्थिति रे आहुरी सुधार आसिले मेला जोरदार जमीबो बोली आशा करा जाउछि कटकरु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।